फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेरक्स टेक वर्ल्ड। सो फुजी फिल्म, कैनन, सोनी, काफ़ी सारे कंपनी ने मिनी प्रोजेक्टर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक अलग ही मिनी प्रोजेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो मिनी प्रोजेक्टर है वो अलग ही प्रोजेक्टर है, बट उसमें एडिशनली आपको टेबलेट के भी फीचर मिलते हैं। जी हाँ, अगर आपको उसको टैबलेट की तरह यूज़ करना है तो ये जो प्रोजेक्टर है उसको आप वर्टिकली लगा दीजिए और आपकी जो नीचे सरफेस है उसमें ये प्रोजेक्टर आपको बीम प्रोवाइड करेगा और उसमें 10 पॉइंट टच टेक्नोलॉजी है। सो आपका जो सरफेस है उसमें आप इंटरैक्टिवली जो भी टच है उसको रिकग्नाइज करेगा प्रोजेक्टर और आप रेगुलर जो आपका टैबलेट में काम कर सकते हैं वैसा ही काम टच स्क्रीन से, यानी कि आपका जो सरफेस है टच टैबलेट स्क्रीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो प्रोजेक्टर है वो हैची करके जो कंपनी है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोजेक्टर का नाम है हैची M1 इन्फिनाइट, $999, यानी कि इंडियन प्राइस उसको डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करें तो 75,000 का ये प्रोजेक्टर है। बॉक्स काइंड ऑफ डिजाइन का प्रोजेक्टर है और इसके अंदर एंड्रॉइड 9 पाई वर्जन उसमें इंस्टॉल्ड है, इनफाइनाइट OS उसको 9 दिया गया है हैची ने। और उसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर है, 4GB और 6GB रैम वेरिएंट है, 4GB के साथ 64GB का स्टोरेज है और एक 128GB का जो स्टोरेज है उसमें 6GB रैम मिलता है। तो इट्स अ फुल फ्लेज प्रोजेक्टर कम टैबलेट, जो आप टैबलेट में काम कर सकते हैं वही सभी काम आप ये प्रोजेक्टर थ्रू कर सकते हैं। उसको सिर्फ प्रोजेक्टर को वर्टिकली सेट करना है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको सरफेस में मिलेगा और आप उसको 10 पॉइंट टच यूज करके रेगुलर टच पे काम करेगा। उसमें 600 NC का जो ब्राइटनेस है वो आपको मिलता है और 100 इंच का प्रोजेक्शन है। एक और मेन फीचर उसका अगर आपको बताऊं, अगर आपको प्रॉपर मूवी देखना है या वीडियो देखना है तो उसको आप हॉरिजॉन्टली लेटा दीजिए और उसका जो स्क्रीन है वो आपका जो वॉल है उसमें अप टू 100 इंच वो प्रोजेक्ट करेगा और उसमें 5 वॉट के इनबिल्ट स्पीकर है, उससे आप पूरा मूवी देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आपको लैपटॉप में कोई मूवी प्ले करना है तो इसमें HDMI और इवन USB कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। आपका लैपटॉप में जो भी कंटेंट है वो डायरेक्टली आप प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अभी US में अवेलेबल है, Amazon साइट पर अवेलेबल है, मुझे इंडिया की कोई भी साइट पर डिटेल नहीं मिला। इसमें एक चिल्ड्रंस के लिए इंटरेक्टिव मोड है, यानी कि ये जो प्रोजेक्टर है वो जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको रिकग्नाइज करता है, तो चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए भी ये प्रोजेक्टर हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करता है जो भी इंग्रेडिएंट है उसको भी रिकग्नाइज करके आपको कुकिंग में भी हेल्प करेगा। सो ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्टर है उसके बारे में आपके क्या फीडबैक है वो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और ये प्रोजेक्टर के बारे में ओवरऑल आपके क्या फीडबैक है वो भी बता दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, और आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब करने का बोल सकते हैं। बस मैं एवरी वीक रेगुलरली ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी वीडियोस लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एपिसोड। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।